दिल्ली में कोर्ट कैंपस के 30,000 कोर्ट में फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें दिल्ली के 30,000 में फायरिंग हुई है, वकीलों के बीच पहले बहस हुई और फिर फायरिंग की घटना हुई है। दिल्ली के 30,000 कोर्ट की यह घटना है जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है। वकीलों में आपस में पहले बहस हुई और उसके बाद फायरिंग हो गई। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर कोर्ट परिसर में, जहां पर कानून की रक्षा होती है, जहां पर सभी फैसलों, सभी प्रकरणों के फैसले लिए जाते हैं, वहीं वकीलों में बहस के बाद में फायरिंग का मामला सामने आया है। गंभीर बात है और ये आप देख सकते हैं तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सभी वकील यहां मौजूद है, बातचीत हो रही है और एक वकील के हाथ में आप ये गन देख सकते हैं जो खुलेआम बेधड़क फायरिंग कर रहा है हवा में। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वकीलों के बीच के बाद बहस के बाद की ये घटना है और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए हमारे साथ में। राजीव, बहुत गंभीर मामला है, 30,000 कोर्ट में फायरिंग हो रही है, क्या है पूरा प्रकरण? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यह जो है फायरिंग हुई है यह चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह फायरिंग जो हुई है वकीलों के आपसी बहस में और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के हुई है, क्योंकि देखिए इसमें जो बार एसोसिएशन के लोग हैं, जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनके बीच जो आपसी जो बहस हुई है उसके बाद जो फायरिंग हुई है, मनीष शर्मा है वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, सिफेदारी कोर्ट के बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है मनीष शर्मा, इन्होंने जो है सचिव, जो बार एसोसिएशन के सचिव है अरुण शर्मा के साम ऑफिस के बाहर जो है ये फायरिंग की है, जो जानकारी मिल रही है। तो यह अपने अपने वर्चस्व को लेकर के लंबे समय से एक कहा जा सकता है गुटबाजी चल रही थी संगठन में। और आप इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे इस बारे में, जानकारी के लिए शुक्रिया। और आप देख सकते हैं तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर कोर्ट में, 30,000 कोर्ट में ये फायरिंग हुई है।